दोस्तों, ये मेरा वाटर हीटर लगा हुआ है, देख सकते हैं। और चलिए इसको हम चालू करते हैं और यहाँ से टाइमर भी चालू करते हैं और देखते हैं कितने देर में। दोस्तों, सर्दी का सीजन शुरू होता है तो लोग गीजर लगाते हैं और बड़े गीजर, छोटे गीजर, सब गीजर का रिक्वायरमेंट रहता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट गीजर की, और इंस्टेंट गीजर के मामले में वी गार्ड एक नया गीजर लेके आया है जो यहाँ पर देख सकते हैं आयरिस नाम के है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त है। 3 लीटर का है, 2 साल की उसमें वारंटी और 5 साल का टैंक की वारंटी मिलती है। और बहुत ही ज़बरदस्त है, पावर कंजप्शन कितना है, किस तरह का है, कैसा है, लुक में कैसा है और इसका प्राइस वगैरह कितना है, सब कुछ वीडियो में बताएंगे। वीडियो में बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है, किस तरह का है और बहुत ही लाइट वेट है। साइज़ के बारे में बात करते हैं तो साइज़ देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है और स्क्वायर में है, उतना जगह भी नहीं लेगा। तो इसको आप अपने किचन वगैरह में लगा सकते हैं और बहुत लोग बाथरूम में भी लगा सकते हैं। इसका MRP जो यहाँ पर दिया गया है 5500 रुपये का है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। और वोल्टेज कैपेसिटी 3 kW का है यह। तो चलिए देखते हैं कि 3 लीटर का और 3 kW में क्या है, सारा यहाँ पर चीज़ दिया गया। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्स, दिखाते हैं कि इसमें क्या है, किस तरह का और कैसा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको करते हैं अनबॉक्स, अनरैप और इसमें क्या क्या है सारा कुछ आपको बताएंगे। तो यहाँ से हम इसको अनबॉक्स करते हैं और वीडियो में बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम दिखाते हैं आपको सारा कुछ कि किस तरह का है, क्या है और कैसा मिलता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। और बॉक्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का पैकेज है, लेकिन बॉक्स में क्या मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मशीन निकल गया है, मशीन जो है ये रहा, और मशीन के अंदर यहाँ पर भैया बॉक्स में कुछ नहीं है, ठीक है ना, बॉक्स में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम रखते हैं साइड में और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर एक वायर आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हैं वायर, और वायर का जो लेंथ है बस इतना ही है, देख लीजिए वायर का लेंथ इतना ही है। और इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है, इसको हम सामने से आपको दिखा देंगे, नोजल वगैरह जो यहाँ पर दिया गया है किस तरह का है। चलिए इसको ओपन करते हैं। गीजर कुछ इस तरह से लुक पे आएगा, यहाँ पर आयरिस की ब्रांडिंग दिखेगी, यहाँ पर फूल वगैरह बना हुआ है और यहाँ पर हीट और यहाँ पर क्या लिखा है मेंस। लाइट आएगा तो पता चलेगा और हीट होगा तो पता चलेगा यहाँ पर, ठीक है, बस यहाँ पर है। और बैक के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर बस इस तरह से दिया गया है, और बॉक्स में कुछ नहीं दिया गया है, किसी तरह का नहीं है। वायर के बारे में बात किया जाए तो वायर का लेंथ जो है इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो देख सकते हैं वायर का लेंथ किस तरह का है, और गीज़र जो है कुछ इस तरह का है, बस यही है। तो इसको हम फिटिंग करके दिखाते हैं और कितने देर में पानी गर्म होगा और कितने टेम्परेचर तक का जाएगा वो चीज़ आपको दिखाएंगे। और कहीं पर भी सेट करने का नहीं दिया गया है कि टेम्परेचर को हम सेट करें, क्योंकि ये इंस्टेंट वाटर हीटर है तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर पानी गर्म हो जाता है। तो इस तरह का कुछ है यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर डो नॉट डिस्टर्ब का यहाँ पर कुछ दिया गया है, गार्ड वगैरह, और कुछ क्लेम वगैरह होना चाहिए था लेकिन यहाँ वो सब सारा चीज़ यहाँ पर नहीं है। बस नीचे से आप प्लग खोलिए और शुरू हो जाए। नीचे का कुछ इस तरह का देख सकते हैं, यहाँ पर नोजल दिया गया है, यहाँ पर नोजल आपको लगाना है, ये वाला जो है देखिए ये वाला हीट का है और इससे पानी जाएगा, और नीचे वाला जो है हीट का है। यहाँ पर सारे इसके क्या क्या फीचर्स है वो सारा चीज़ है, बारकोड स्कैन वगैरह कर सकते हैं, इस तरह का कुछ है। और वायर की लंबाई जो है इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, देख सकते हैं। और यहाँ पर जो वायर है यहाँ तर यही जो है देख सकते हैं, मेन हो गया, न्यूट्रल हो गया और यहाँ पर अर्थिन हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर ये वाला जो है कॉमन होता है, ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन होता है, बाकी ये फेस और न्यूट्रल का दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ है। बैग के बारे में बात किया जाए तो बैग जो है कुछ इस तरह का देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बस आपको हैंग कर देना है, इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, किसी भी तरह का कोई चीज़ नहीं है। और सीधा के बारे में बात किया जाए तो सीधा से कुछ इस तरह का दिखता है, देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, लुक वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त। बस यहाँ पर 2 ही इंडिकेशन और कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, और इधर वैसी है। बाकी ऊपर टॉप के बारे में बात किया जाए तो टॉप में कुछ नहीं है। चलिए इसको देखते हैं कितने देर में ये इंस्टेंट कूल जैसा बोला जा रहा है तो होता है या नहीं होता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। देखते हैं बैकग्राउंड में इसका प्राइस जो है 5500 रुपये लिखा गया है, और 3 kW का है ये, 3 लीटर का है। यहाँ पर देख सकते हैं 230 वोल्टेज इसको चाहिए, और ऑल टॉक्स टैक्सेस वगैरह जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं, मैन्युफैक्चर वगैरह। और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि मुझे पड़ा है ये 3000 रुपये ऑनलाइन इसका
दाम है 3200 रुपये, लेकिन ये 3000 में आपको मिल जाएगा। और मैं इसके सर्विस है मतलब जो शोरूम है वहीं से लिया हुआ हूँ, तो देख सकते हैं बस यही है। तो चलिए दिखाते हैं आगे आप। तो ये मेरा वाटर हीटर लगा हुआ है देख सकते हैं, और चलिए इसको हम चालू करते हैं और यहाँ से टाइमर भी चालू करते हैं और देखते हैं कितने देर में ये हो रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर से शुरू कर दिया है और वहाँ पर दो बल्ब दिखता होगा आपको, देखिए एक ऊपर में रेड है नीचे में ग्रीन है। तो जो रेड वाला है वो दिखा रहा है कि लाइन जा रहा है, और ग्रीन वाला जो है वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए कि जो ये है पानी पूरा गर्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कितने देर में वो बंद होता है। देख सकते हैं आप लोगों को दिखता होगा, तो देख सकते हैं यहाँ टाइमर भी चल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग भरोसा रखिएगा, हम बंद वगैरह नहीं करेंगे और देखेंगे कितने देर में होता है। तो फास्ट फॉरवर्ड में हम लेके चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा मैंने बताया कि ऊपर वाला मेन है और नीचे वाला हीटिंग है। अभी भी हो रहा है, फुल हुआ नहीं, जैसे फुल होगा तो हम इसका स्टॉप कर देंगे। तो ये हमने अपने किचन में लगाया है, देख सकते हैं ये किचन है मेरा और ये मिक्सचर है। इसका डिटेल अगर वीडियो चाहिए तो हम आपको बता देंगे कि कैसे काम हुआ है, देख सकते हैं। और हमने एक पानी का इधर से लेके आया है और ये हॉट वाटर इधर है, ये कोल्ड वाटर। तो चलिए देखिए अभी यहाँ पर बंद हो गया है और लगभग दो मिनट में ये पानी को फुल गर्म कर देता है। देख सकते हैं यहाँ पर बंद हो गया है ग्रीन वाला, ठीक है। अभी हम इसको बंद करके फिर से चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बंद कर दिया इसको, ठीक है, बंद कर दिया है। और अब जब चालू करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला भी ग्रीन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर फुल यहाँ पर गर्म हो चुका है, एकदम हॉट हो चुका है। तो 2 मिनट में ये फुल गर्म कर देता है पानी को, 3 लीटर का पानी को 2 मिनट में ये फुल गर्म कर देता है। तो दोस्तों गर्म तो हो गया है 2 मिनट में, तो चलिए देखते हैं। देखिए अभी भी ग्रीन नहीं जला है, रेड जल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कितने देर मतलब पानी कितना हॉट होता है इसमें। तो खाली हम यहाँ पर गर्म पानी को ही खोलते हैं। तो अभी तो ठंडा पानी गिरेगा और उसके बाद हॉट वाटर गिरेगा, तो देख लेंगे कि हॉट वाटर कितना हॉट गिरता है। देखिए तो धुआं आना शुरू हो गया है, देखिए अभी आपको सही पता चलता होगा कि कितना हॉट वाटर गिर रहा है, देख लेंगे। तो इतना ज़्यादा हॉट गिरता है कि धुआं जाता है, इसको हाथ नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा हॉट गिरता है ये, इसी तरह सब कुछ है। तो देखिए अभी वहाँ पर फिर ग्रीन जल गया है क्योंकि पानी हमने निकाला, तो वो ग्रीन फिर से जल गया है। तो दोस्तों फाइनली हमने दिखा दिया कि ये किस तरह का है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी सवाल कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।